नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों, आज की मुख्य खबर है कि 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोपी उत्तर प्रदेश सूबे का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में गुरुवार सुबह पकड़ा गया है। विकास दुबे की फरारी के बाद से उत्तर प्रदेश और इससे सटे कई राज्यों की पुलिस उसके तलाश में जुटी थी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि फरीदाबाद से आखिर उज्जैन कैसे पहुंचा विकास दुबे, कौन कर रहा है मदद। जी हां, आखिर विकास दुबे फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंचा। दरअसल फरीदाबाद से उज्जैन करीब 800 किलोमीटर दूर है, ऐसे में वह फरीदाबाद से किस तरह उज्जैन पहुंचा, यह सबसे बड़ा सवाल है। जानकारी के मुताबिक वह उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचकर खुद को विकास दुबे कहकर चिल्लाने लगा। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और फिरंगज थाने ले गई। इसके बाद यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। उसकी गिरफ्तारी की एक फोटो यूपी पुलिस के पास भेजी गई, जिसके बाद पुष्टि हुई कि वही विकास दुबे। इसी के साथ ही दोस्तों, विकास दुबे की गिरफ्तारी पर बोले सीएम शिवराज, महाकाल की शरण में जाने से नहीं धुलते पाप। साथ ही विकास दुबे के पकड़े जाने पर अखिलेश ने योगी सरकार से किया सवाल, आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। जी हां, ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में, अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। इसी के साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी ने आज वाराणसी के गैर सरकारी संगठनों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, ये भगवान भोगल भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है कि कोरोना के संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है। ये भी कि आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, हमारी काशी ने अभूतपूर्व संकट का डटकर मुकाबला किया है। आज का ये कार्यक्रम भी इसी की एक कड़ी है। कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न हो, किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। साथ ही दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू हो रही है। कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल यात्रा कई तरह की पाबंदियों के साथ शुरू किए जाने की तैयारियां हो रही है। हर रोज 500 श्रद्धालु ही बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। जो भी श्रद्धालु यात्रा के लिए जाएगा, उसका कोरोना टेस्ट कराए जाने की बात सामने आ रही है। शुरुआत में ये जानकारी सामने आ रही थी कि इस साल अमरनाथ यात्रा स्थगित हो सकती है, लेकिन अब सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। इसी के साथ ही दोस्तों, करीब 10 महीने बाद राजस्थान सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद बुधवार शाम परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि देश में बीते 24 घंटों में 24,879 कोरोना के नए मामले सामने आए, 487 लोगों की गई जान। साथ ही दोस्तों, दिल्ली एम्स में कोरोना वायरस के मृतक मरीजों का शव अदला बदली के मामले में एक कर्मचारी को बर्खास्त तो एक को सस्पेंड कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, अंत में आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा, आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।